36 किलोमीटर पर आवर हेड ऑन कोलिजन विथ ए स्टेशनरी बॉल ऑफ 3 kg इफ आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉल मूव एज ए सिंगल मास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है मास कॉम्बिनेशन हो गया ठीक है देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन समझना इस क्वेश्चन को कहता है ए मेटल बॉल है इसका मास ऑलरेडी 2 kg दिया हुआ है ठीक है एंड मूव विथ स्पीड ये 36 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है 36 किलोमीटर पर आवर 36 को कन्वर्ट कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 × 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ठीक है 18 × 36 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। चलो अब दूसरा वाला था वो यहाँ पर रेस्ट था उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाके इससे कोलिजन कर लिया कोलिजन के बाद ये दोनों सिंगल कंबाइंड हो गए जिनकी वेलोसिटी कॉमन हो गई ठीक है तो ये मास 2 kg का था और ये 3 kg का था ये 3 kg का था तो कुल मिला के दोनों 5 kg के हुए आफ्टर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी देन द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इस कोलिजन में कितनी काइनेटिक एनर्जी की लॉस हुई होगी वो हमें निकालना है। देखो भाई काइनेटिक एनर्जी में लॉस तभी निकाल पाएंगे जब हमें कॉमन वेलोसिटी पता हो कॉमन वेलोसिटी क्योंकि हम जब हम काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकालेंगे तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता है लॉस निकालने का तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियली माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनली ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है हाफ इसकी तो चली गई 0 हाफ mv² और माइनस हाफ m मान लो m1 हाफ इन दोनों का मास ठीक है इन दोनों का मास कैपिटल m और इन दोनों की वेलोसिटी कॉमन v² तो कॉमन मास तो 5 kg हो जाएगा तो ये कोलिजन के बाद कॉमन वेलोसिटी पता चलेगी तभी तो मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल पाऊंगा भाई। तो कॉमन वेलोसिटी निकालने के लिए एक और कॉन्सेप्ट लगाओ मोमेंटम कंजर्व कराओ ठीक है चलो मोमेंटम कंजर्व करा इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा इसकी वेलोसिटी 10 थी 2 था तो इनिशियल मोमेंटम इसका 0 चला गया मतलब 10 × 2 प्लस इसका 0 दूसरा कॉमन वेलोसिटी भी हो गया और इनका मास का समेशन 5 हो गया 3×5 इसका मतलब ये हुआ कि 20 और डिवाइडेड बाई 5 कॉमन वेलोसिटी भी तो कॉमन वेलोसिटी 4 m/s आ गया 4 m/s से ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं आगे जा रहे हैं दैट इज द कॉमन वेलोसिटी ठीक है। चलो अब ये अगर कॉमन वेलोसिटी इतना तो लॉस कितना है हाफ पहले वाले की मास इसकी इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी 2 kg और इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर 10² 100 और माइनस इसकी तो 0 हो गई प्लस हाफ इन दोनों का कंबाइंड मास m ठीक है 5 और इन दोनों की कॉमन वेलोसिटी 16 बी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो 2 ने 2 को और ए आ जाएगा 8 × 5 = 40 60 joule काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया ठीक है 60 joule क्योंकि एक्चुअल जो काइनेटिक एनर्जी था देख रहे कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है 100 joule है और कोलिजन के बाद जो है वो 40 joule रह गया तो 60 joule का लॉस हो गया ठीक है। अब वो लॉस कहाँ गया होगा हीट लाइट साउंड इन सब में क्या होगा कन्वर्ट हो गया होगा मतलब जो लॉस हमें निकाला तो लॉस हम लोग के पास 60 joule डी ऑप्शन सही है ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड।